ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। अर्जेंटीना में मुनाकिदा वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ियों का घर वापसी पर वालेहाना खैर मकदम किया गया। बड़गाम के धारमोना गांव से ताल्लुक रखने वाले आबिद हामिद और अशरफ ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार खेल का मुजाहरा किया है। आबिद हामिद ने गोल्ड मेडल और अशरफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। गांव वालों ने रिवायती फोक म्यूजिक से दोनों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए आबिद हामिद और अशरफ ने कहा कि बड़गाम में खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए मुनासिब साजो सामान और हॉल की जरूरत पर जोर दिया। क्वाकी बाजार खुड़वनी के बाशंदू ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। इलाके का बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत के महज कुछ घंटों बाद ही फिर से खराब हो गया, जिसके बाद मकामी बाशंदू ने ट्रांसफार्मर को सड़क पर रखकर बिजली महकमे के खिलाफ धरना दिया। लोगों के मुताबिक ट्रांसफार्मर आए दिन खराब हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके में तारीकी छाई रहती है। बाइक चोरी के एक मामले में बटामालू पुलिस ने मुश्तबा नौजवान की शिनाख्त करने में आवाम से ताबुन तलब किया है। जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हासिल हुआ है। इस फुटेज में सफेद टी शर्ट और काले जीन्स पैंट में मलबूस एक मुश्तबा नौजवान को देखा जा सकता है। इस नौजवान पर बाइक चोरी का इल्जाम है। टैंकपुरा चौक बाईपास पर यह वाकया पेश आया है। इस जिम्न में अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो बटामालू पुलिस स्टेशन में इतला दे सकते हैं। पुलिस के मुताबिक जानकारी देने वालों की शनाख्त को मुखफी रखा जाएगा। इस कॉस्ट कश्मीर श्रीनगर में बी कीपिंग डेवलपमेंट सब कमेटी की पहली मीटिंग मुनाकिद हुई। नीति आयोग के रुकन पद्मश्री डॉक्टर विवेक देवराय ने इस मीटिंग की सदारत की। मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान शहद की मक्खियों की देखरेख और इस शोबे से जुड़े दीगर अहम मामलों पर बात की गई। न्यूज 18 से बात करते हुए इस कॉस्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने कहा कि रियासत में एपीकल्चर के लिए बहुत मौके हैं और इस जानिब मरकजी हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। गंधू भलेसा के चार ब्लॉक्स में पंचायती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डीसी डोडा, एएसपी भदरवा, एसडीएम गंदू ने भलेसा के कई मकामात का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। पंचायती इंतखाबात को लेकर लोगों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। इस मरतबा कई तालीम याफ्ता नौजवान भी इंतखाबी सियासत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डीसी डोडा ने बताया कि इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे सरकारी मुलाजमीन को एक महीने की इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। एसएसपी डोडा शबीर अहमद मलिक ने न्यूज 18 नुमाइंदे फिरदौस खांडे के साथ बातचीत के दौरान कहा कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं।